कौन सा जगह है भैया? मिसर स्थान नयागंज से है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं भगवान का स्थान है, यहाँ पे मूर्ति उर्ति रखा हुआ है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो सांप निकला है वो साकर सांप है, क्योंकि ये साकर सांप होता है जो दीवार पे कहीं पे भी चढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि छिपकली खाया है सांप, और इसी फोटो के नीचे वो सांप बैठा हुआ है दोस्तों। ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता दोस्तों, देख सकते हैं। और अभी तो शिवरात्रि का समय है दोस्तों, इसलिए शिवरात्रि में सांप के पास ऐसे भी बहुत शक्ति रहता है। देख सकते हैं ये सांप किस तरह आगे की ओर ससर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह ये सांप इधर से उधर भाग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह ये सकरा सांप है, सकरा सांप है। देख रहे हैं किस तरह ये मूर्ति के पास बैठा हुआ है। गुलाब सुनाइए तो गुलाब गुलाब सुनाई लगता है देख रहे दोस्तों, ये साकर सांप है। चलिए हम इसको बाहर निकालते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ये सांप का सांप है। और ये सांप में खासियत क्या होता है कि ये सांप बैग में, झोला में, चप्पल में, कहीं पे भी घुस जाता है। ये सांप में खासियत ये होता है। और ये सांप में खासियत क्या होता है कि काटने में बहुत माहिर होता है, क्योंकि ये सांप किसी को भी अगर ये काटेगा तो तीन बार चार बार बाइट करेगा। इस सांप में खासियत यही होता है, देख सकते हैं। और इसका पेट भी फूला हुआ है, ये छिपकली खाया है। देख रहे हैं इसका पेट फूला हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इस छिपकली खा गया। अभी घर में पकड़ के छिपकली खा गया है, देख रहे हैं। और ये सांप में खासियत क्या होता है कि ये बहुत तेजी से बाइट करता है, देख रहे हैं। और ये फुर्तीला भी बहुत होता है, बहुत स्पीड में भागता है। देख रहे हैं किस तरह ये बाइट कर रहा है, देख रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह अटैक कर रहा है। क्योंकि किसी का भी हाथ पैर पकड़ टच होता है तो इंसान को ये फट चीना बाइट कर देता है और तुरंत ये सांप भाग जाता है। और ये सांप में क्या खासियत है कि बैग में, झोला में, चप्पल में, जूता में, कहीं पे भी घुस जाएगा और दीवार पे बहुत तेजी से चढ़ता है, देख रहे हैं। और अभी लोग सबसे पहले तो आप लोग को सांप के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन सांप काटने से इंसान की मौत होता है और कौन सांप में पॉइजन होता है। लेकिन साकर सांप काटने से इंसान को मौत नहीं होता है, सिर्फ इंसान हार्ट अटैक के कारण उसका मौत हो जाता है। इसलिए किसी का भी अगर ऐसा सांप काटे तो आप लोग तुरंत हॉस्पिटल में जाइएगा और आपको सिर्फ टेटनेस का सुइया लेना है दोस्तों, और झाड़ फूक के चक्कर में रहेगा दोस्तों तो मारा जाइएगा। क्योंकि अपने भारत में हर साल 1 लाख आदमी का मौत होता है, क्योंकि यहाँ पे सांप बाइट करने से आदमी को मौत नहीं होता है, इंसान सिर्फ हार्ट अटैक के कारण ज्यादा इंसान मरता है। लेकिन ऐसा सांप अगर आप लोग को काटेगा तो डरने की बात नहीं है, आप लोग कहीं भी ठीक हो सकते हैं। अगर ऐसा सांप अगर आपको काटेगा तो ओझा के पास जाइएगा तो ओझा झाड़ कर ठीक कर देगा, क्योंकि ये सांप में पॉइजन होता ही नहीं, इसलिए ओझा ठीक कर देगा। साकर हो गया, ढोरवा हो गया, धामन हो गया, ऐसा सांप काटने के बाद जो है आपके पास ओझा आपके यहाँ जाइएगा तो झाड़ेगा ठीक हो जाएगा। लेकिन करहित हो गया, कोबरा हो गया, रसल वाइपर हो गया, ऐसा सांप काटेगा तो आपको ओझा का दिन नहीं कि आपको ठीक कर देगा। उससे पहले आपको एंटीवेनम का जरूरत पड़ेगा, आपके पास आधा से 45 मिनट ही आपके पास समय रहेगा, उससे पहले आपको एंटीवेनम का जरूरत पड़ेगा। मानव हॉस्पिटल में जाके इसका एंटीवेनम सुन लीजिएगा, उसके बाद आप रेफर करेगा डॉक्टर, उसके बाद कहिएगा कि हमको वैक्सीन लगा के मुजफ्फरपुर तारा हॉस्पिटल जाइएगा। अगर आप लोग के पास समय लंबा नहीं है तो यूट्यूब पे जाके पढ़ लीजिए वैशाली, मेरा यूट्यूब पे मेरा लंबा डाला हुआ रहता है दोस्तों। भारत के कोई भी को नए स्नेक रेस्क्यू करने के लिए दोस्तों हमको बुला सकते हैं। 1 लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।